नालंदा में शनिवार की सुबह करंट की चपेट में आने से तीन लोगों की मौत हो गई। मंडे वालों में दो लोग शादी में आए हुए थे, उनमें से एक गांव के तालाब के पास टॉयलेट के लिए गया था। तालाब की बाउंड्री पर मछली को लोगों से बचाने के लिए करंट छोड़ा गया था, देखते ही एक हत्थे गुलशन कुमार नामक व्यक्ति करंट की चपेट में आ गया। यह देख उसके दोनों मामा दौड़कर उसके पास पहुंचे, जहां दोनों भी करंट के संपर्क में आ गए। इसके बाद तीनों को स्थानीय लोगों की मदद से करंट से मुक्त कराते हुए वर्धमान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान पावापुरी में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। शौच के बाद पानी छूने गए थे और जो तालाब उस साइड में करंट लगा हुआ था। अच्छा। जो पता नहीं था, अचानक जो झटका लगा उसमें पानी में गिर गया। पानी गिरने के बाद दूसरा बचाने गया, दूसरा भी उसमें रह गया, तीसरा भी उसमें रह गया। कितने लोगों की मौत हुई? तीन लोग हुई। अच्छा, एक महिला का भी सुन रहे हार्ट अटैक। महिला हार्ट अटैक हुआ था सर, वो अभी है शायद वर्सलीगंज में सर। वर्सलीगंज। तो किनकी माँ थी? उनकी माँ नहीं सर, दोनों का भाभी थी। दोनों को भाभी। हाँ, जो मिठुन को मिठुन राम है पंकज राम को भाभी थी बड़ी की। अच्छा, उनकी मान झेला बहुत छोटा हुआ है। अच्छा, भाभी अभी ठीक है ना? वो तो मैंने तालाब वाला जो है वो जानबूझ के करंट दिए हुए थे क्या? जानबूझ के दिया था। जानबूझ के दिया था। अच्छा, पानी छूने के लिए वहाँ चारों तरफ लोगों का पता कि तालाब है, तालाब में चारों तरफ करंट लगा दिया, तार लगा के करंट लगा दिया। वहाँ पानी छूने के लिए या उसके बाद वो चिल्लाया तो उसका मामू दौड़ा, एक दौड़ा वो कूदा, वो भी उसे भी करंट लग गया। दूसरा दौड़ा, दूसरे भी करंट लग गया। एक उसकी ममानी दौड़ी, उसे भी करंट लग गया। ये चारों तीन तो चार के चार खत्म हो चुका है। इसका गरीब परिवार पूरा उजड़ गया है, इसका कोई नहीं है, मतलब कोई सहारा नहीं है। ये तालाब नालंदा में नवादा पड़ता है? तालाब नवादा में पड़ता है। अच्छा। नवादा जिला के गांव के पास ही आके मतलब बॉर्डर पे ही मेन रोड बनाया, वहाँ तालाब बनाया मछली पालन। तो क्यों डाल रखा था तालाब में करंट? करंट क्यों डाल रखा था? करंट लगाता है कि मछली चोरी कर लेता है, इसलिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिंदर प्रसाद। घटना नवादा जिले के वारसिलीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत किरभोजना गांव के एक तालाब के पास हुई, जबकि मृतिका नालंदा के कतरसराय थाना क्षेत्र अंतर्गत तीरबीघा और गिरियक थाने के रहने वाले हैं।